नमस्ते यारों, क्या आपको मालूम है मंदोदरी और सीता माता का कितना गहरा रिश्ता था। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पता ही नहीं। मंदोदरी जो रावण की बीवी थी और सीता माता जो राम भगवान की पत्नी थी, दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर पुराने शास्त्रों पर नजर डालें तो इनका रिश्ता हैरान कर देने वाला है। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। मंदोदरी और सीता माता दोनों ही एक खास कहानी से जुड़ी है। मंदोदरी दरअसल मायासुर और हेमा अप्सरा की बेटी थी। वो बड़ी सुंदर और अक्लमंद थी। रावण ने उनसे शादी कर ली और वो उसकी पटरानी बन गई। अब बात करते हैं सीता माता की। सीता माता का जन्म राजा जनक की बेटी के फॉर्म में हुआ, लेकिन कुछ कहानियों में बताया जाता है कि वो असल में धरती से पैदा हुई थी, जिन्हें खुद धरती माँ ने राजा जनक को दिया था। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का कनेक्शन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, वो कनेक्शन है देवी पार्वती। कुछ पुरानी कथाओं के मुताबिक मंदोदरी और सीता माता दोनों ही देवी पार्वती के अंश हैं। ये भी बोला जाता है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो वो जानता था कि सीता दरअसल मंदोदरी का ही एक फॉर्म है। इसके अलावा एक और मजेदार बात यह है कि सीता माता और मंदोदरी का जन्म स्थान भी करीब करीब एक ही इलाके में माना जाता है। ये इलाका है मिथिला और लंका के बीच का। दोनों की परवरिश भी राजा रानियों के घर में हुई, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई और संस्कार भी मिलते जुलते थे। मंदोदरी बहुत समझदार और धर्मपरायण थी, इसलिए रावण भी उनकी सलाह को काफी मानता था। यही वजह है कि मंदोदरी ने रावण को कई बार सीता माता को वापस राम जी के पास भेजने का कहा था, लेकिन रावण ने एक न सुनी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग सच और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी जीत होती है। सीता माता और मंदोदरी दोनों ही अपने अपने तरीके से महान थी। उन्होंने अपने फर्ज निभाए और हमें धर्म और सच्चाई का रास्ता दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।